नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बीएसएससी ने 2187 पदों पर वैकेंसियां निकाली है। सचिवालय सहायक और कई सारे विभागों में ये वैकेंसियां निकली है। बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख कल यानी कि 14 अप्रैल से 17 मई तक निर्धारित की गई है। 17 मई के बाद वो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए 17 मई से पहले आप इस पर आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2187 पदों पर ये वैकेंसियां निकली है। कई सारे विभागों में ये वैकेंसियां निकली है। कौन कौन से विभाग है जिनमें ये वैकेंसियां निकली है, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। कुल वैकेंसी 2187 है, जिनमें सचिवालय सहायक के लिए 1360 वैकेंसी है, योजना सहायक के लिए 125 वैकेंसी है, मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 74 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए 2 वैकेंसी है, लेखा परीक्षक के लिए 626 वैकेंसी है। यानी कि 5 विभागों में कुल ये वैकेंसियां निकली हुई है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही जो आयु सीमा है वो सामान्य पुरुष और EWS पुरुष के लिए 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए। BC, EV, UR महिला, EWS महिला के लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं SC, ST के लिए जो उम्र सीमा है वो 21 से 44 वर्ष होनी चाहिए। जो शुल्क है वो सामान्य OBC, EWS के लिए 540 रुपये है। वहीं SC, ST, PH के लिए 135 रुपये होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआती तिथि है 14 अप्रैल। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उम्मीदवार सीधे जाकर के आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक और लिंक दिया गया है bssc.bihar.gov.in/advertisement/01222022 के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2187 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि योजना सहायक, सचिवालय सहायक सहित कुल 5 विभागों में ये वैकेंसियां निकली है। कुल वैकेंसी की जो संख्या है वो 2187 है। आवेदन की तिथि कल से शुरू हो जाएगी जो कि 17 मई तक चलने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन को भरना चाहते हैं वो जाके कल से अप्लाई कर सकते हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।